हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन और रिव्यू करेंगे पत्र पेटिका वेब सीरीज़ के पार्ट टू का। वेब सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है और हम मेहरबी के कोठे का सीन देखते हैं, जहां दुर्हा प्रसाद के बंदे कोठे के गेट पे पहरा दे रहे हैं, जिस कारण से कोठे पे कोई नहीं आता और रोमिला और बिंदिया इसी कारण से काफ़ी परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ शरद वापस लता के पास जाता है और उसे उसका बनाया स्केच दिखाकर माफ़ी मांगता है और लता उसे चाय का पूछती है। दोनों की नज़दीकियां इसी दौरान बढ़ने लगती हैं। अगले सीन में रोमिला और बिंदिया कुएं से पानी भरते हुए नज़र आती हैं, तभी वहां गांव की औरतें आती हैं और उन्हें कुएं से पानी भरने से रोकती हैं। मेहर भी गांव वालों के इस विरोध को लेकर काफ़ी परेशान होती हैं, क्योंकि अब ना तो उनके पास राशन है और ना ही उनके कोठे पे कोई आता है। वहीं सीरीज़ में एंट्री होती है लता के पति सुधीर की, जिसे देखकर शरद काफ़ी उदास हो जाता है। इसके बाद हम गांव की पंचायत में मेहरबी को देखते हैं, जो कि दुर्हा प्रसाद और गांव वालों से कहती हैं कि वो उनके पेड़ पे लात ना मारे, लेकिन दुर्हा प्रसाद के आदमी गांव वालों को मेहरबी और उसके कोठे का विरोध करने के लिए, जिस पे मेहरबी वहां से मायूस होकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लता सुधीर के साथ शहर जा रही है, जिसे देख कर शरद अब और मायूस हो जाता है। लेकिन गांव के खुले डुले माहौल में रहने वाली लता को शहर का तंग घर अच्छा नहीं लगता, जिस पे उसका पति सुधीर उसे समझाने लगता है और लता अपनी पत्र पेटिका, जिसे कि वो गांव में छोड़ कर आए हैं, उसे मंगवाने की ज़िद करने लगती है, जिस पे उसका पति सुधीर काफ़ी गुस्सा होता है। लता गाँव के माहौल और शरद के साथ अपनी यादों को याद करने लगती है और शरद भी लता के साथ अपनी यादों को याद करता है। इसी गम में वो ड्रिंक करने लगता है और मेहरबी के कोठे पे बिंदिया के पास जाता है, जो उसे कहती है कि उनके पास अब पैसे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि दुर्हा प्रसाद गांव में किसी को उनके कोठे पे आने नहीं देता, जिस पे शरद कहता है कि उसे प्यार चाहिए और उसके पास प्यार नहीं है, जिस पे रोमिला कहती है कि वो उसको प्यार देगी और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी दुर्हा प्रसाद के बंदे मेहरबी से आकर पोस्टमैन का पूछते हैं और रोमिला के कमरे से पोस्टमैन यानी कि शरद को पीट कर बाहर लाते हैं। मेहरबी इसलिए रोमिला को थप्पड़ भी लगाती है। अगले सीन में लता अपने पति सुधीर से कहती है कि उसका मन शहर में नहीं लग रहा है और वो गाँव जाना चाहती है, जिस पे सुधीर और भी गुस्सा होता है। वहीं गांव में अब रोमिला, बिंदिया और मेहरबी को वहां से जाना पड़ता है, क्योंकि अब ना तो उनके पास पैसे हैं और गांव वाले भी उनका विरोध कर रहे हैं। लता, जो कि शहर से अब गांव वापस आ गई है, शरद के और करीब आती है और दोनों गांव में एक साथ घूमने लगते हैं। सीरीज़ के लास्ट में हमें इन दोनों का एक इंटीमेट सीन भी देखने को मिलता है, जिस इंटीमेट सीन के साथ सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। आप ये सीरीज़ उल्लू ऐप पे जाके देख सकते हैं और ऐसी ही और वेब सीरीज़ की अपडेट्स, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।